तकरीबन सुबह 10 बजे हम मुल्तान से निकले और खाते पीते सुबह का नाश्ता भी किया, नमाज पढ़ी, उसके बाद एक दो ब्रेक दिया मोटरवे पे। तो फिर हमारे जो मंजिल थी वो कागान थी, लेकिन कागान हम नहीं पहुंच पाए, हम बालाकोट में रुक गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब कह रहे थे आपका भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो हम रात से बालाकोट में रुके थे और होटल का बाहर का व्यू मैंने कहा आपके साथ शेयर करें। ये बिल्कुल जो नारायण मेन रोड है उसके साथ ही है रॉयल पार्क होटल और रेस्टोरेंट। तो रूम कुछ जल्दी में मैंने आपको दिखाया, दो रूम मैंने लिए थे, बाकी चलते हैं नीचे थोड़ा तस्वीरें वसीरें खींचें, फिर हमारा आगे का सफ़र है नारायण का। उम्मीद करता हूँ जो ये सीरीज़ है फैमिली वाली वो आपको पसंद आ रही होगी, अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलते हैं नाश्ता करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो रूम से भी ज़बरदस्त व्यू है, ये बहुत बड़ी देख सकते हैं विंडो लगी हुई है, तो आपको दिखाते हैं यहाँ से खूबसूरत व्यू बालाकोट का। ये देख सकते हैं ये नीचे पार्क बना हुआ है, ये रेस्टोरेंट बना हुआ है इनका, ये पार्किंग एरिया, ये मेन एंट्रेंस, बाकी ये बालाकोट के पहाड़। तो अब हम आ गए हैं बाहर और ये एंट्री होटल की, ये सामने रूम लगे हुए हैं ज़बरदस्त। ये कुछ माहौल है बच्चों के लिए, एक्टिविटी भी है, झूले वगैरह हैं, ज़बरदस्त माहौल है। बिस्मिल्लाह। अभी हम रुके हैं बालाकोट से स्टेशन से पहले नाश्ते के लिए, और आप पीछे देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पुल बना हुआ है, और ये दरियाए कुनार जो अपनी मौज मस्ती में सुकून प्रोग्राम है, सुकून प्रोग्राम, ना रश है ना क्या, जगह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे हम नाश्ता करते हैं, नाश्ते में आमलेट है, पराठे हैं और हाफिरा है और चने और चाय। बिस्मिल्लाह करते हैं, और ये सामने दरिया कुनार। इस जगह पे हमने नाश्ता किया है, बहुत ही खूबसूरत जगह थी, अच्छी लोकेशन बालाकोट सिटी से पहले। सितंबर के मंथ में जो बालाकोट का मौसम था, रात को ज़बरदस्त सर्दी थी, दिन को धूप जो है वो थोड़ी थोड़ी लग रही थी, लेकिन फिर भी मौसम बेहतर था। बाकी हम जो है वो 5-6 किलोमीटर पहले रिहाइश हमने ले ली थी, होटल अच्छा हमें मिल गया मुनासिब रेट पे। तो ये बालाकोट सिटी, बालाकोट क्रॉस करने के बाद व्यू जो है वो खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। आप नाश्ता करके जैसे ही निकले तो हमारा पहला स्टॉप था किवाई, और ये किवाई पे आप देख सकते हैं बहुत बड़े बाजार बन चुके हैं, और यहाँ पे जब आप सीजन पे आएंगे तो पाँव रखने की जगह भी नहीं होगी, तो अभी सुकून लगा पड़ा है। नीचे वाटरफॉल पे भी चलते हैं। तो ये वही किवाई का वाटरफॉल है जहाँ खड़े होने की जगह भी नहीं होती, फ़ोटो खींचने की जगह नहीं होती, तो इस टाइम देख सकते हैं बहुत सुकून लगा पड़ा है, और फैमिली के हिसाब से ये आइडियल टाइम है। तो हम अपनी फैमिली के साथ हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है, सुकून लगा पड़ा है, ना रश है ना क्या, और चीज़ों के जो रेट हैं वो भी मुनासिब हैं। बाजार क्रॉस करते हुए और जो पुल गिरा था मदारी का, जो आपने सुना होगा तकरीबन क्या हालत थी वहाँ पे उस टाइम, तो उस पुल से हम गुजर रहे हैं। ये वही पुल है जो नया पुल बना है पाकिस्तानी फ्लैग, जो हवा में लहराते हुए ज़बरदस्त काम किया है। नाशपति ये
ये नारायण के रास्ते में नाशपीति और अखरोट। हाय, की मजा है। हाँ, तो जिस जगह से डैम का काम था वहाँ से जिन्होंने रोड बनाया है, रोड आप देख सकते हैं सही रोड है, बाकी बीच में रोड बहुत ख़राब था कहीं कहीं पे, और ये सामने टनल भी आ रही है। बन चुका है, आप देख सकते हैं दरिया है, कुनार का पानी यहाँ आके जमा होगा, तो बिल्कुल खामोश पानी हो चुका है यहाँ पे। आरान के रोड पे ये खूबसूरत चश्मे आपको इस टाइम भी मिलेंगे, देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त माहौल और सुकून लगा पड़ा है। अब रोड बहुत खूबसूरत है और कारपेट हो रहा है, काम चल रहा है रोड का। सामने देख सकते हैं नारायण पहुंचने वाले हैं। वेलकम टू नारायण। देखें ये वही नारायण है जो जून जुलाई अगस्त में होता है, तो सितंबर के मंथ में आप देख सकते हैं नारायण जो है बिल्कुल सुनसान। और अब देखते हैं कहीं होटल, फिर आपको नारायण दिखाते हैं। तो एक तो होटल हमने देखा है, तो हमने सोचा क्यों ना एक चक्कर लगा के आए ऊपर से, आपको थोड़ा नारायण भी दिखाएं और पैदल भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा गाड़ी में भी आपको चक्कर लगाएं, ये नारायण देख सकते हैं। हाँ, सुकून लगा पड़ा है। तो यार फाइनली हम नारायण पहुंच चुके हैं और हमने ये होटल में रूम लिए हैं, दो रूम लिए हैं हमने 6,000 में। ये पाइन ड्रॉप होटल, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन और बाजार के बिल्कुल साथ। बाकी नारायण में सन्नाटा लगा हुआ है क्योंकि सीज़न का एंड है, और रूम भी वैसे तो ये होटल इतनी सस्ती नहीं मिलती अगर सीज़न में आएंगे तो। बाकी बाजार भी आपको दिखाते हैं, बिल्कुल सन्नाटा लगा हुआ है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नारायण बाजार में निकल रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल, बाकी रश बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं सुकून लगा पड़ा है। अब चलते हैं अंदर, आपको रूम टूर भी देते हैं। तो चलते हैं, अब रूम टूर आपको देते हैं। तो एक रूम ये है और ये दूसरा रूम ये है हमारा, चलते हैं अंदर आपको दिखाते हैं। ये 3,000 में हमने लिया है एक रूम, 6,000 के दो रूम। तो जैसे आप एंटर होंगे, ये वॉशरूम है, लाइट नहीं है अभी नारायण में, तो जैसे ही आएगी, ज़रूरत तो भी नहीं है लाइट की। तो ये एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, टीवी लगी हुई है, ये इधर ड्रेसिंग वगैरह बनी हुई है, और इसकी अच्छी बात यह है कि बालकनी भी है, रानिया एंजॉय करते हुए नारायण में, नारायण की ठंडी हवा, ये बालकनी है। ये हमारे दूसरे रूम की बालकनी, दाऊद भाई बैठा हुआ है सामने। बाकी ये कुछ व्यू ज़बरदस्त नारायण के, नारायण तो वैसे भी एवरग्रीन है, जब भी आओगे तो मज़ा ही आएगा। ये नीचे पार्क भी है, तो आप थोड़ा रिलैक्स करते हैं, फिर इंशाल्लाह रात को आपसे मिलेंगे। तकरीबन 8 बजे हैं और अभी हम आए खाना खाने के लिए, तो चपली कबाब ढूंढ रहे थे,
नारायण की रात का मंदिर। ये इधर चक्री तो चपली कबाब मंगवाए हमने और एक दो सब्जी की प्लेट मंगवाई। तो बिस्मिल्लाह करके खाना स्टार्ट करते हैं। बाकी नारायण का माहौल आपने देखा, फैमिली के लिहाज से ज़बरदस्त टाइम है। तो ये कुछ रात के मंजर हमारे होटल के। अब हम पहुंच चुके हैं खाना खा के। आज हमने चपली कबाब खाए और कुछ सब्जी मंगवाई। और अभी जो है वो टेम्परेचर जो है वो तकरीबन दिखाते हैं आपको, 15 बजे कम से कम जो है ये 13 बजे जाएगा। ये कुछ सितंबर के मंथ के कंडीशन नारायण की। अब चलते हैं रूम में, सर्दी है। ये लॉबी है होटल की। ये कुछ इस तरह का अंदर से हमारा होटल। आज के व्लॉग को हम ये कंप्लीट करते हैं। तो इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।